सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। जे पिछले कुछ दिनों की या कुछ महीनों की गल कर ला ना, तो कैनेडा स्टूडेंट वीजे का जो हाल है वह बहुत ही माड़े टाइम के विचों स्टूडेंट या एजेंट जिहड़ा हैगा ना उहदे विचों पार करता पिया। क्यों? क्योंकि अज की डेट के जिहड़ा रिजल्ट है ना वह बहुत ही ज़्यादा माड़ा है। स्टूडेंट रिफ्यूजल इन्नी क ज़्यादा है कि हर गली हर महल्ले हर कोने दे विच कोई ना कोई स्टूडेंट इदां दा बैठा जिहदा कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा पिछले दो चार महीनों दे विच रिफ्यूज़ होया, या जिहदा कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा अज साल डेढ़ साल तो एम्बेसी दे विच फाइल ला के बैठा होया, कोई रिजल्ट नहीं आता पाया, AIP आ गई तां रिफ्यूज़ हो गया, AIP आ गई तां भी फाइल दे उत्ते अगों प्रोसैस नहीं होया। सो यह हाल अज की डेट च कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा का। जो कोई एजेंट कोई कंसल्टेंट तुहानूं कहिंदा कि भाई बहुत वीज़े आ रहे हैं, मेरे धड़ाधड़ वीज़े आ रहे हैं, वो जाके चैक कर लो, देख लो, पता लग जूगा असलीयत, मैं तुहानूं दसदी। बट इस असलीयत दे चलदे हुण कहिंदे आ ना लाइफ गोज़ ऑन, रुक नहीं सकदे आपां, चलते रहेंगे, क्योंकि कितने ना कितने असी एज अ स्टूडेंट और एज अ कंसल्टेंट तुसीं पढ़न जाना, असी तुहानूं बाहर पढ़ाई लई भेजना। सो एक दो चीज़ा छोटिया छोटिया अनाउंस करनिया चाहता सी। सब तो पहली चीज़, जेकर तुहाडे आयल्स एक मोड्यूल च 5.5 बैंड ने, 2.5 ने, 3.5 ने, वह तो चलो बहुत दूर रह जाते ना, एक मोड्यूल च 5.5 बैंड ने, और हाथ जोड़ के बेनती है रब का वास्ता, अज की डेट च कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा एक च 5.5 बैंड वाले का नहीं जे लगता पाया, 95% रिफ्यूजल है। जे तुहाडा कोई एक अद्धा वीज़ा तुहाडे किसी एजेंट कंसल्टेंट ने तुहानूं दिखा भी दिता, साडा भी आया होगा कोई 2-4 वीज़े, बट उहदा मतलब ये नहीं हैगा कि बाकी सारिआं दे भी वीज़े लग गए। 95% रिफ्यूजल है एक मोड्यूल 5.5 बैंड की। सो एज ओम ग्लोबल एज पुनीत खन्ना, मेरे वालों माफ़ी है, मैं तुहाडा केस एक्सैप्ट नहीं कर सकता एक च 5.5 बैंड या उस तो घट ते। 6 ईच बैंड स्कोर हैगा वै, तुसी यू आर मोस्ट वेलकम जी आयां नूं, जरूर आओ, एक वारी रिफ्यूज़ हो, 4 वारी रिफ्यूज़ हो, कोई फर्क नहीं पैंदा, 6 ईच बैंड स्कोर हैगा वै। अपनी पढ़ाई दे डॉक्यूमेंट चुको, अपना आयल्स दा सर्टिफिकेट चुको, पुरानियां रिफ्यूज़लां लैओ, केप नोट कढ़ाए हो या लैओ, असीं वीज़ा अप्लाई करके दवांगे और सारे पैसे लवेंगे वीज़ा लगन तो बाद। हुण इहदे विच ना बहुत वड्डा सवाल लोकां दा आंदा है, स्टूडेंट कहिंदा भाजी इह प्राइवेट कॉलेज भेजोगे, भाजी ये तो तुम एक फिक्स कॉलेज के भेज दोगे जिस मैं वर्क परमिट नहीं मिलना। तुम जिस कॉलेज एलीजिबल हो, तो एलीजिबिलिटी चाहिए है, तुम चाहे मोहॉक चल जाओ, हंबर चल जाओ, शेरिडन चल जाओ, किसी यूनिवर्सिटी चल जाओ, कैपलैन चल जाओ, जेड़े भी कॉलेज यूनिवर्सिटी तुम जाके पढ़ाई करना चाहते हो और तुम उत्थे लिए एलीजिबल हो कि उन्होंने यूनिवर्सिटी 6 बैंड चाहिए, तुहाडे 6 ईच हैगे आ, उन्होंने 6.5 चाहिए, तुहाडे 6.5 हैगे आ, उन्होंने जिन्ना पढ़ाई का गैप चाहिए उस गैप के अंदर हो, तुम जिनी परसेंटेज चाहिए परसेंटेज कि जे वह कॉलेज तुम्हें दाखला दिता उस कॉलेज के पढ़ाई करने भेजा जाऊगा, उस कॉलेज यूनिवर्सिटी के पैसे भी तुम उदो दोगे जो वीज़ा लग जूगा। सो वह कहानी नहीं हैगी, उस तरीके तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया जाता कि यार एक प्राइवेट कॉलेज फड़िया जिहड़ा फीस आफ्टर वीज़ा के पाया तो वो ही भेजता। सो यू विल चूज योर कॉलेज, यू विल चूज योर कोर्स, जिथे तुम एलीजिबल हो, जिड़ी स्टेट, जिड़ी प्रोविंस, जिड़े कॉलेज के, उस कॉलेज जाके पढ़ाई कर सकते हो, फीस सारे पैसे उदों देने जो वीज़ा लग जाता। साड़िया ब्रांचेज विजिट करो, जलंधर, अंबरसर, चंडीगढ़, बठिंडा, ये ऑप्शन तुहाडे लिए अवेलेबल है, बट लिमिटेड टाइम पीरियड है, जिनी जल्दी आ जाओगे उन्नी जल्दी अप्लाई हो जाऊगा। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।